आयकर विभाग की तरफ से अब ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जिससे किसी व्यक्ति का चोरी करना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। अगर आप भी फेसबुक पर अपनी ट्रिप या पार्टी की तस्वीर शेयर करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र आप पर भी पड़ सकती है। आयकर विभाग आईटी कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए 1 अप्रैल से बिग डाटा एनालिटिक्स का यूज़ करने जा रहा है। प्रोजेक्ट इनसाइट नामक 1,000 करोड़ के कार्यक्रम के जरिए लोगों के सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल पर नज़र रखी जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने वाली तस्वीरों और वीडियो के जरिए खर्च के तरीकों का पता लगाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की तरफ से घोषित आय के मुकाबले खरीद और यात्रा खर्च में अंतर मिला तो आयकर अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी जिसके बाद उस शख्स पर कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग ने 15 मार्च से आयकर अधिकारियों को सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे दिया गया है। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया, अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं या महंगी कार खरीद रहे हैं तो रिटर्न दाखिल करने में दर्ज आय के साधनों से परे जो कि बहुत अधिक की हो तो आयकर विभाग उसका विश्लेषण करने के लिए बिग डाटा एनालिटिक्स का यूज़ कर सकता है और आपकी आय और खर्च की विसंगति की जाँच कर सकता है। आयकर विभाग एक मास्टर फाइल का भी इस्तेमाल कर सकता है जिसमें व्यक्ति और कॉरपोरेट के संबंध में पूरा ब्यौरा और महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य कर चोरी करने वालों को पकड़ना और रिटर्न दाखिल करने और कर चुकाने वालों की तादाद में इजाफा करना है। इनसाइट प्रोजेक्ट में समय की सूचना प्रबंधन प्रणाली होगी जिसमें सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा। कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए बिग डाटा का इस्तेमाल करने वाले बेल्जियम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के समूह में भारत शामिल होने जा रहा है। ब्रिटेन में 2010 में प्रौद्योगिकी की शुरुआत होने के बाद से इस प्रणाली से करीब 4.1 अरब पाउंड के राजस्व के नुकसान पर लगाम लगाई गई थी।